स्वागत है भाई आपका मेरी नई वीडियो में। आज भाई आपके लिए देख सकते हो हम कुछ अलग लेके आए हैं, और देख सकते हो अपाची आर आर 310। और इसकी भाई लुक्स बताइए पहले कैसी है। और आपके लिए भाई हम आज ये दिखाने आए हैं बाइक में भी क्या क्या इसमें फीचर्स है यार, जो न्यू BMW ने लॉन्च की है उससे क्या ही इसमें मतलब कि क्या कमी है, उसमें क्या ज़्यादा दिया हुआ है, आपको BMW का कंपेरिजन दिखाएंगे। बट उससे पहले इसकी लुक्स इंजॉय करिए भाई। देखिए भाई रेड कलर में तो यार पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, और ये भाई बाइक मेरी है, पर्सनल मेरी बाइक है, आपको सोचा चलो दिखा दे एक बार कैसी लगती है। और फ्रंट से जैसे देखिए, फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाएंगी, और ये लिक्विड कूल इंजन है और 1 सिलेंडर। आपको इसमें कमियां भी बताऊंगा भाई क्या क्या कमियां लगती है मेरे को, और आपको इसके ये भी बताऊंगा भी सारा यहाँ इसमें क्या एडवांटेजेस हमें। देख सकते हो भाई का ओवरऑल लुक पहले इंजॉय कीजिए। देखिए अब सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं इसकी लुक्स, जो कि यार बहुत आई कैचिंग लुक्स है इसकी। कलर भी रेड है, बहुत आई कैचिंग कलर है, देख सकते हो। अब आप कमेंट करके भाई जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। और फ्रंट से देखिए भाई, आपको इसमें सस्पेंशन भी बहुत अच्छे मिलते हैं, हालांकि जो न्यू BMW लॉन्च हुई उससे तो ज़्यादा अच्छे हैं। और देख सकते हो टायर इसके मिशेलिन के टायर हैं, और BMW में जो न्यू दूसरे कंपनी के टायर दिए हुए हैं वो भी आपको दिखा दूंगा अगली वीडियो में, अगर आप देखना चाहते हो कमेंट जरूर कीजिए। और देखिए भाई इसके भाई टायर्स और इसके सस्पेंशन ज़्यादा अच्छे हैं BMW कंपेयर टू BMW न्यू RR BMW आई है जो। अब आप देख सकते हो, देखिए भाई आपको इसका मैं स्पीडोमीटर ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए कुछ इस तरह का मिलेगा आपको यार स्पीडोमीटर। और यहाँ पे आपको जो इससे 2021 और 22 वाला मॉडल है ना, उस पर आपको यहाँ पे वो मोड्स मिल सेलेक्ट मोड्स मिल जाते हैं, यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, उसे आप मोड सेलेक्ट करते हो, रेन मोड जैसे कि आपको सेलेक्ट करना है, रेसिंग मोड करना हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें नहीं है क्योंकि 2018 का मॉडल है, और लेकिन बाइक मैं चलाता हूँ ओवरऑल बाइक यार जो चल, हालांकि इस कह सकते हो इसकी ड्राइव बहुत अच्छी ड्राइव है यार, आप काफ़ी किलोमीटर तक इसे चला सकते हो। और फ्यूल फ्यूल टैंक की बात करें आपको 11 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें मिल जाएगी, देख सकते हो। अब भाई कमेंट करके बताइए भाई किस किस को बाइक अच्छी लगी। और इसका राइडिंग पोस्चर की बात करते हैं भाई, राइडिंग पोस्चर भी इसका बहुत अच्छा है, आप मतलब इतनी एग्रेसिव नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छी राइडिंग पोस्चर आपको इसमें मिल जाएगा। और पिलियन सीट की बात करते हैं भाई, पिलियन सीट के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है बाइक, ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं उसके लिए बाइक, बैक सीट पे पिलियन सीट वाला बंदा नहीं बैठ सकता इसमें ठीक तरह से। बाकी जो इसके पीछे यार एक और मडगार्ड लगा होता है वो मैंने हटाया हुआ है, देख सकते हैं जैसे कि इसका टायर पीछे से कितना ब्रॉड है, देख सकते हो 17 इंच के आपको टायर मिल जाएंगे इसमें। अब भाई कमेंट करके बताइए भाई इसका, भाई BMW से भी हम कंपैरिजन लेके आएंगे भाई, BMW ने यार क्या नया दिया है इसमें, टायर दिए और एग्जॉस्ट थोड़ा सा इसमें छोटा कर दिया है, और देख सकते हो उसमें राइडिंग मोड्स होंगे आपको मिल जाएंगे। और हाँ उसमें यार आपको स्लीपर क्लच मिल जाएगा जो इसमें नहीं आता, स्लीपर क्लच यार बहुत यूज़फुल चीज़ है कह सकते हो आप। और इसकी भाई बात करते हैं सीट की कुशनिंग की, सीट की कुशनिंग यार बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है ये वाली सीट, पिलियन है भाई ये वाली सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसका उसका कोई कंफर्टेबल नहीं पिलियन के। अब जैसा कि दोस्तों मैंने यार ओवरऑल आपको बाइक दिखा दी है, अब आपको एक बार स्टार्ट करके जरूर दिखाते हैं। लाइट्स तो यार इसकी बहुत अच्छी है, प्यारी लाइट्स हैं बहुत ज़्यादा, ये देखिए हम आप स्टार्ट करते हैं इसे, ये देखिए बैक लाइट देखिए भाई बहुत ही शानदार यार लुक्स है। और कुछ यार चीज़ों की कमी लगी जो इसमें मेरे को, जो चीज़ मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ इस बाइक से, लेकिन इस जिस तरह की लुक्स है ना बाइक की यार उस तरह से इसमें वो होना चाहिए थी चीज़ मेरे हिसाब से। अब आपको बताता हूँ थोड़ा मेरे को जो कमी लगी इसका एग्जॉस्ट, भाई एग्जॉस्ट की साउंड सुनी है, एग्जॉस्ट यार कंपनी वाले को ज़्यादा अच्छा देना चाहिए था बाइक की लुक्स के हिसाब से। ये देखिए भाई इस तरह का एग्जॉस्ट मिलेगा आपको भाई, आवाज़ तो यार बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर आवाज़ है इसमें, और BMW न्यू आई है उसमें भी ऐसा ही है देख सकते हो। और लेकिन आपको प्रोजेक्टर लाइट दिखाता हूँ आगे से, ये देखिए मैंने हाई बीम छोड़ी हुई है, देखिए भाई भाई बहुत सही लगती है लाइट्स तो यार बहुत अच्छी है देखिए। और इसमें एक चीज़ यार बहुत अच्छी लगती है मेरे को, आप चारों इंडिकेटर्स आप ऑन कर सकते हो, ये देखिए भाई जो भी है बाइक लुक्स फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट यार आवाज़ नहीं है बाइक में, एक सिलेंडर इंजन में आवाज़ तो यार बहुत मुश्किल से ही बनेगी, अगर इसमें एग्जॉस्ट डलवा भी लेंगे ना तो भी जाके भी आवाज़ की
यार फटी फटी आवाज आएगी वो अच्छी लगती है, इसलिए इसको स्टॉक ही अच्छा लगती है। ये बाइक देख सकते हो, और आपको दिखा देता हूँ एक बार मीटर। ये देखिए इंजन टेम्परेचर देखिए कितना बता रहा है, 72.5 इंजन टेम्परेचर देखिए बता रहा है, ये देखिए। और इसमें और भी मोड्स होते हैं, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ओवर स्पीड आपने कितनी की है, आपने चलाई कितनी है, टाइमर आप और लैप आप सेट कर सकते हो, बहुत कुछ फीचर्स है यार। अब यार कमेंट करके जरूर बताइए आपको बाइक कैसी लगी ओवरऑल। और भाई बाकी न्यूटन मीटन टॉर्क यार आप ऑनलाइन निकाल के देख लेना, 2018 का मॉडल। वैसे ओवरऑल आपको मैंने लुक्स दिखानी थी बाइक की, क्या ही लुक्स है इसमें और क्या कमियाँ लगी है मेरे को। एक तो पिनियन सीट की कमी होगी, दूसरा एग्जॉस्ट की कमी होगी यार, ये दो कमी है इस बाइक में, अदरवाइज तो बाइक बहुत अच्छी है यार। इसकी ड्राइव बहुत अच्छी ड्राइव है इसकी भाई, पर्सनली मैंने चला रखी है, बहुत अच्छी ड्राइव है इसकी, बहुत ज़्यादा। एक बार आप करके देखना, कहीं भी लैग नहीं दिखता इसकी ड्राइविंग में। अगर भाई वीडियो अच्छा लगा भाई जरूर यार लाइक करें भाई। और इसका फ्यूल आपको टैंक 11 लीटर मिल जाएगा, एक ये भी चीज़ डिसअपॉइंटेड है बहुत, 11 लीटर फ्यूल टैंक हमारे लिए इनफ नहीं है यार, बार बार आपको फ्यूल डलवाना पड़ेगा, देख सकते हो। कम से कम यार 15 लीटर तो होना चाहिए। जैसा कि भाई आपने ओवरऑल बाइक देखी, आपको कैसी लगी भाई ज़रूर कमेंट कीजिए। और इसकी बात करते हैं एक्स शोरूम प्राइस की, आपको 2,23,000 की एक्स शोरूम पड़ेगी, उस टाइम के 2018 का मॉडल। अब तो यार थोड़ी महंगी हो गई है अभी, क्योंकि BS6 है, BS4 है, इसलिए महंगी हो गई है ज़्यादा, बट फ़र्क कोई नहीं है उसमें। और BMW की जो बाइक नहीं है उसमें भी कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ओवरऑल सेम बाइक है। अगर आप BMW की तरफ जाना चाहते हैं जा सकते हो, उसका सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, जैसे कि देख सकते हो इसका सर्विस कॉस्ट सिर्फ 3,000 रुपये आ जाता है मेरे को ओनली, देख सकते हो आप खुद 3,000 रुपये सर्विस कॉस्ट इसका मान के चलिए, और BMW का तो थोड़ा सा यार कॉस्टली हो सकता है। ये भाई ये था ओवरऑल यार वीडियो में, आपको बाइक कैसी लगी बताइए। अगर आपको इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखना वो भी आपको दिखा दूंगा एक बारी में। चलिए आपको मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।